वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज मुझे एक टास्क दिया है जो बड़ा ख़तरनाक टास्क है कि जी आपने ज़िंदगी के तीन डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करना है। सबसे पहले बचपन, जवानी, बुढ़ापा जो मेरा आया नहीं है। Anyways, I am Hadil Sahal Al-Baluchi. I'm an anchor person in CEO Culture Online. So, जी शुरू करते हैं बचपन से। मेरा बचपन जो था, that is so memorable. मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी फेक नहीं करूँगी, बिल्कुल सच सच बताने को तैयार हूँ। चाइल्डहुड जो था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे अच्छे मेरे दोस्त थे स्कूल में। कुछ टीचर्स जो थे वो मुझे पसंद करते थे, कुछ टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे। मैं बहुत यू नो सोशल थी स्कूल में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत एक्टिव थी मैं स्कूल में। आई वॉज अ डिबेटर एंड आई एम अ डिबेटर। स्पीचेस हो, डिबेट्स हो, कंपेयरिंग हो, होस्टिंग हो, बचपन से ही अपने अंदर जो है ना सारा टैलेंट भरा हुआ था। बट वो रिकग्नाइज ज़रा देर से हुआ। एनीवेज फिर स्कूल में मैं मशहूर थी, मेरा नाम होता था खिदमत हल्क कमेटी। उसकी वजह ये थी कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता था, मेरे क्लासमेट को या सीनियर को या जूनियर को, जी हदील इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प। मतलब मैं टीचरों से लड़ लेती थी कि नहीं जी, इस लड़की को आपने ना स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, किसी को टैबलो में, किसी को ड्रामे में, किसी को स्पीच में, किसी को डिबेट में। मतलब किसी के साथ स्कूल में कोई भी नाइंसाफ़ी होती थी या होने वाली होती थी, हदील यूज़ टू टेक दिस स्टैंड। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत यू नो लोगों की सेटिंग्स भी करा देती थी, जैसे कि अगर किसी को कोई पसंद है तो आई वॉज द वन कि वो जो रिश्ते वाली खालाओं की तरह जाके ना, देखो सना को तुम पसंद हो तो प्लीज़ तुम मान जाओ, यू नो। बट ये सारी चीज़ें नाइन्थ मेट्रिक में जब हम थोड़े से बड़े हुए तो ये तब था। लेकिन कभी कभी मुझे याद है कि ऐसा भी होता था कि हम लोग सिक्स सेवन्थ में भी थे तो तब भी हमें एक दूसरे पे क्रश हो जाता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉज considered as a very good and a loyal friend. मेरी best friend आशा वासिर जो मुझे भी देख रही है, हम लोग मॉन्टेसरी से साथ हैं। और मेरी अपनी सिस्टर समीदा who is a doctor, तो आई से डॉक्टर समीदा, हम दोनों साथ साथ एक ही क्लास में थे, तो हमारा एक सिस्टरहुड का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग था। मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सिस्टर मेरे साथ पढ़ती थी, तब भी पूरा स्कूल मेरा दोस्त था। और आशा वासिर तो शी इज़ वन ऑफ माई वेरी ग्रेट फ्रेंड, और नो डाउट शी सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड अगर आज मैं कुछ हूँ तो आई ऑलवेज गिव अ क्रेडिट टू आयशा, लव यू स्वीट हार्ट। अच्छा जी, टीचर्स की तरफ आते हैं। कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ टीचर्स अगर मुझे देख रहे हैं तो बड़े खौफनाक थे। ओ माई गॉड, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ज़िंदगी में चीटिंग नहीं की क्लास में। चीटिंग की है, पकड़ी भी गई हूँ, फेल भी हुई हूँ। बट द पॉइंट इज दिस कि मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती थी। मेरे बड़े भाई मुझसे कहते थे सुहेल, कि वो इस तरह उनका स्टाइल था, बेटी बस पास हो जाओ। मैं इतने नंबर ले लेती थी कि मैं पास हो जाऊँ। प्राइमरी तक आई वॉज अ पोजिशन होल्डर। फिर जब मेरी सोशल एक्टिविटीज बढ़ गई, यू नो खिदमत हल कमेटी, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरे ग्रेड्स बुरे आने लग गए, यू नो ए से बी, बी से सी, फिर तो बस पासिंग मार्क्स ही चलता रहा मैट्रिक तक। अल्लाह जाने मैंने मैट्रिक कैसे किया, लेकिन कर लिया। कॉलेज लाइफ में आते हैं। कॉलेज मैं बिल्कुल नहीं जाती थी, क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती थी और ट्यूशन की मेरी क्लास होती थी सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग, और सर राहील अगर मुझे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर, लेकिन सुबह 6 बजे हदील उठे हो, बस स्टॉप पे जाके खड़ी हूँ, बस आए G19 और G25 जो भी बंद हो गई है, दोबारा खोलो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ जाते हैं, तो जिस सुबह 6 बजे हदील बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, फिर कोचिंग सेंटर जाओ, बेसिकली वो ट्यूशन सेंटर था, तो वहाँ पे हम दो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर के, क्योंकि मुझे हमेशा अटेंशन चाहिए होती है। मैं
50 बच्चों में नहीं पढ़ सकती थी, तो मेरा एक टीचर होता था जो सिर्फ मेरा होता था। बड़ी मुश्किल से मैंने फैजू को बर्दाश्त कर लिया था, वरना तो मैंने क्या कुछ नहीं किया उसको क्लास से निकालने के लिए, बट सर ने निकाला ही नहीं। तो कॉलेज लाइफ भी अच्छी रही। कॉलेज लाइफ में मुझे नात पढ़ने का भूत सवार हो गया था। हर असेंबली में हदील जी नात पढ़ रही हैं और प्रिंसिपल पूरे कॉलेज में ढूंढ रही है हदील किधर है, हदील किधर है। और सुबह होती तो आवाज़ आती शाहे मदीना, वो डिबेट, वो स्पीच, वो सब ख़त्म और नात पढ़ना शुरू किया। फिर साथ साथ गाना गाना शुरू कर दिया, सिंगिंग का भूत सवार हो गया। मुझे मेरे कॉलेज में सब कहते थे कि ये जो है नाज़िया हसन है, तो मुझे नाज़िया के मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, यू नो द पॉप म्यूज़िक स्टार। तो आई यूज़ टू सिंग हर सॉन्ग दिल की लकीर कुछ और भी दिल को दीवाना करे। तो आई वॉज यू नो अ सिंगर एज वेल इन कॉलेज। फिर वो अभी जो है मैं किचन सिंगर बन गई हूँ। चलिए जी, कॉलेज लाइफ भी ऐसे ही निकल गया। अल्लाह जाने मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स कैसे पास किया, खुदा जानता है और मैं जानती हूँ। कोई शॉर्ट बुक्स नहीं छोड़ी, कोई हैंडआउट्स नहीं छोड़े, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस नहीं छोड़ी। दुनिया एक कर ली, केमिस्ट्री मुझसे पास ही नहीं हो रहा था। बस अब मैं क्या बताऊं कि मैंने केमिस्ट्री कैसे पास की। अल्लाह पूछे जिन्होंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट बनाया। चलें जी, जल्दी जल्दी आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। I am a graduate of Iqra University, main campus defense. I did my bachelor's in film and TV and photography, then I did my master's in advertising, and now I am doing my PhD in psychology. Iqra University changed my life. That was the turning point in my life. Mein, ki, you know, मुझे तो कपड़े पहनने की कमी भी नहीं थी, seriously मुझे तो आता ही नहीं था। पहले दिन जब मैं university गई तो सारे मुझे बोलने लगे, अल्लाह कौन आ गया बलूचिस्तान से। Literally they use the word pendu for me. But I said them, एक दिन आएगा जब तुम ही लोग जो है ना बैठ के मुझे Facebook पे या Insta पे या social media पे ढूंढ रहे होगे। तो इकरा यूनिवर्सिटी बेसिकली ना चेंज मी बहुत ज़बरदस्त। मुझे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा और एक्टिव हो गई। आई स्टार्टेड ग्रूमिंग, आई लर्न फैशन। ड्राइंग से मुझे मोहब्बत थी, आर्ट से मुझे मोहब्बत थी, एक्टिंग से मुझे मोहब्बत थी, होस्टिंग तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। तो यू नो इकरा यूनिवर्सिटी एंड माई टीचर चेंज मी। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स थ्रू द प्लेटफॉर्म of Adil, ke thank you so very much my heart of the department ma'am Tamina Lodi, Sir Latif Abbasi, Sir Rashid Akbar, LA, and ma'am Arsala Babur, and Dr. Akif, Hunair Rakhani, Vaseem, and there were so many teachers, Bilal Bhai, and agar main kisi ka naam bhul gayi to I'm extremely sorry, Mac Makbul Durrani, how can I forget it, warna to unhone mera qatl kar dena hai. So he was the teacher of direction. बहुत कुछ सीखने को मिला इकरा यूनिवर्सिटी से। लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं रो रही थी, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा था, और एंड सेमेस्टर तक मेरे अच्छे दोस्त नहीं बने, बिकॉज आई वॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। यू नो पीपल से आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे ज़्यादा क्राउड नहीं पसंद, लोग नहीं पसंद, मेरी अपनी एक दुनिया है, अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, और यू नो घर जाओ, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत थे। तो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी थोड़ी सी टफ गुजरी। 2 साल लगे, बलोच फैमिली में थी तो 2 साल लगे घर वालों को समझाने में कि भाई पूरी टीम मिलके शूट करती है, तो मुझे इजाज़त नहीं थी ना कि मैं लड़कों के साथ अपने मेल क्लासमेट्स के साथ शूट नहीं कर सकती थी। तो छोटा भाई ना मेरा हर जगह मेरे साथ होता था। रात 4 बज जाते थे, सदाम एक कोने में सो रहा है, बहन की हिफाजत कर रहा है क्योंकि बहन रिकॉर्डिंग ख़त्म करेंगी, तो सुबह हम दोनों बहन भाई घर जाते। बट इट्स गुड, भाइयों को साथ होना चाहिए। लेकिन दौर बदल गया है, तब्दीली आ गई है। अब आपको अपनी बेटियों पे भरोसा होना चाहिए, क्लासमेट्स पे भरोसा होना चाहिए। देखिए अगर ट्रस्ट नहीं होगा ना तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे अंदर अभी भी ये चीज़ समथिंग मिसिंग है, लेकिन फिर भी थैंक यू डैड, मे अल्लाह ब्लेस योर सोल, रेस्ट इन पीस। थैंक यू मॉम, थैंक यू माई सिबलिंग फॉर ट्रस्टिंग मी। और इसी तरह से जैसे तैसे करके मैंने यूनिवर्सिटी गुजार दी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी मैं बहुत एक्टिव थी। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट नहीं होता था जो हदील का सक्सेसफुल ना हो। मैंने होटल्स लॉन्च किए, मैंने कल्चर ऑनलाइन को
was my thesis project. This was my thesis project. Mere teacher the sir Rashid Akbar. He gave me an idea ki Hadil, why don't you start it? मैंने कहा सर कौन मुझसे खरीदेगा चीज़ें, कौन पूछेगा, इतना बड़ा मार्केट है, मैं कहाँ सेट होंगी एज अ एंटरप्रेन्योर. बट ही इनकरेज मी एंड ही सेड नो हदील यू हैव टू डू इट. आई स्टार्टेड विद 5,000 एंड मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, ट्रेडिशनल कुछ डिज़ाइन किए, कुछ कपड़े जूते चप्पल बनाए हैंडमेड, डिफरेंट वेंचर, डिफरेंट सेलर, डिफरेंट जितनी भी खवातीन थी सिलाई कढ़ाई या कोई भी हैंडमेड चीज़ कहीं पे भी बनाता पाकिस्तान के किसी कोने में मैं पहुंच जाती खरीदने के लिए. फिर मेरा एक एम बन गया कि नहीं मैंने कल्चर ऑनलाइन को एक लेवल पे लाना है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब कल्चर ऑनलाइन एक लेवल पे है. पाकिस्तान से हमारे पास मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, ख़वातीन जुड़े हुए हैं जिनको हम एम्पावर करते हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए. हम उनसे उनका प्रोडक्ट लेते हैं या उनसे अपने डिज़ाइन बनवाते हैं या हम खुद डिज़ाइन कर लेते हैं. तो इस तरह से उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है और आप लोग भी हमसे खुश हैं. सो थैंक यू टू ऑल द कस्टमर्स कि आप लोग हमसे परचेजिंग करते हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं. तो ये जी था बचपन जवानी और अब इन्होंने कहा बुढ़ापे के बारे में बताओ. मैंने कहा लड़की कभी स्वीट 16 से ऊपर हो सकती है? आई एम स्टिल स्वीट 16 एंड मैं बुढ़ापे के बारे में क्या बताऊँ, बस अल्लाह ही खैर करे कि पता नहीं क्या होने वाला है. और एक चीज़ और अदील ने बोली, भाई कब्र का अज़ाब के बारे में बताओ, मैं क्या बताऊँ. बट आई ओनली बिलीव, आई हैव अ फर्म बिलीव कि यार मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ. तो मुझे लगता है कि शायद जन्नत के किसी कोने में ना मुझे जगह मिल जाए या पार्ट टाइम जॉब मिल जाए. नहीं मिली तो हम फ्रीलांस कर लेंगे जैसे अभी काम कर रहे हैं. तो आई हैव अ फर्म बिलीव दैट कि मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा बुरी इंसान नहीं हूँ. अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती बट बोलने में क्या है, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ एंड आई लव द पीपल हु आर विथ मी. मेरी टीम आई रियली लव देम, मेरी फैमिली आई रियली लव देम, मेरे फ्रेंड्स आई रियली लव देम. इन अ वे आई एम अ पीसफुल पर्सन. मुझे अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत ये सब पसंद है, शोर शराबा नहीं पसंद है. एक बुरी आदत है जो बिल्कुल एंड में आपको बताऊँगी और उसके बाद होगा पैक का. वो ये कि मेरे अंदर जो सबसे बुरी आदत, अच्छी चीज़ ये है कि मैं अगर दोस्ती कर लूँ ना बलोच, अगर दोस्ती कर ले एक दफ़ा, उसके बाद ऐसी की तैसी निभानी है. आपने एक चीज़ सुनी है ना कि बलोच डोंट ब्रेक्स द हार्ट, दे ब्रेक्स द बोन. तो हम जब दोस्ती करते हैं तो फिर बिल्कुल ज़बरदस्त दोस्ती करते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें हर्ट किया उसके बाद हम उसकी हड्डियां भी तोड़ते हैं. तो हमसे ज़रा बच के रहिएगा. तो ये बुरी आदत ये है कि अच्छी आदत भी कह लो और बुरी आदत भी कह लो, आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन. सॉरी टू से मैं अपनी तारीफ़ करी हूँ पर ये लोग कहते हैं. एंड व्हेन आई कम टू गिविंग, जब मैं देने पे आऊँ ना इज्जत, मोहब्बत, प्यार, तो मैं बेलॉस अपने दोस्तों से मोहब्बत करती हूँ. लेकिन अगर मेरे साथ किसी ने चीट किया या मुझे टच किया या मुझे क्रॉस करने की कोशिश की, गया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड गुड लक टू अदील एंड द एंटायर टीम. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.